सत श्री अकाल, चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। देश भर च ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन, हड़ताल खत्म ना हुई तो पंजाब के 45% पेट्रोल पंप होंगे ड्राई पंपा ते वाहनों दी लगियां कतारां। मजीठिया मामले च एसआईटी का मुखी बदलिया, मुखविंदर छीना हुए रिटायर्ड, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर नूं मिली कमान। केंद्र सरकार ने गोल्डी ब्रांड नूं ऐलानिया अतवादी ऐलाने जाण ते सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह दा बयान, केंद्र दे फैसले दी कीती शलाघा। हुण खबरां विस्थार दे नाल। हिट एंड रन मामलों च सख्त सजा देने वाले नवे कानून के विरोध ट्रक ड्राइवर ने देश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान पंजाब के ट्रांसपोर्टर ते ट्रक ड्राइवर भी नवे कानून विरुद्ध लामबंद हो गए ने। इहदा असर सूबे के पेट्रोल पंपा ते भी पैना शुरू हो गया। जेकर अज शाम तक हड़ताल खत्म न हुई तो पेट्रोल पंप मालकों तो इलावा आम लोगों ने भी परेशानियों का सामना करना पवेगा। सरकार ते तेल कंपनियां भी हड़ताल नूं लैके गंभीर ने। अजिहे च सरकार ते तेल कंपनियां हड़ताल ते बैठे ऑपरेटरां नाल गलबात कर रहियां ने तां जो आम जरूरी सेवावां प्रभावित न हो। उम्मीद है कि शाम तक कोई हल कढ़ लिया जाएगा ते जेकर कोई हल ना कढ़िया गया तो स्थिति होर बिगड़ सकती। श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ दर्ज हुई नशा तस्करी के केस की जांच हुण पटियाला रेंज के नवे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की अगवाई वाली विशेष जांच टीम एसआईटी करेगी। पंजाब सरकार ने नशियां की जांच के लिए बनाई विशेष जांच टीम के मुखी का बदलाव कर दिता है। एडीजीपी मुखविंदर सिंह छीना के सेवामुक्त होने तो बाद सरकार ने एसआईटी का पुनर्गठन किया। हुण इस सिट की कमान पटियाला रेंज के नवे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर सौंप दी गई है। पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा धूरी के एसएसपी योगेश शर्मा एसआईटी शामिल किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार समेत श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर बिक्रम मजीठिया खिलाफ 20 दिसंबर 2021 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच लिए एसआईटी की कमान पहला एडीजीपी मुखविंदर सिंह छीना के हाथ से 8 महीने इस एसआईटी के मुखी रहे। साबका डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दी मुश्किलां वध गईयां ने। पंजाब सरकार ने साबका डीजीपी चट्टोपाध्याय खिलाफ दो वख-वख मामलों की जांच करन दे हुकम दिते ने। इस विच पहला केस एक जबर जनाह दे मुलजम ते भगौड़े अपराधी नूं पुलिस सुरक्षा देना ते दूजा केस नियमां दी उलंघना करके अपनी सुरक्षा च 40 सुरक्षा गार्ड रखना। इन इल्जामां दी सूबा सरकार ने जांच दे आदेश दिते ने। जानकारी मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जांच किसी सेवामुक्त जज तों कराउण लई कहा। साबका डीजीपी ने अपने कार्यकाल दौरान अखौती तौर ते फिरोजपुर के बीपी सिंह नूं पुलिस सुरक्षा दिती सी जो कि अखौती तौर पर जबर जनाह दे इक मामले च भगौड़ा सी। इस मामले च साबका डीजीपी ते पहलां वी दोष पत्र दायर होया सी। दोष पत्र ते उहनां दे जवाब तों बाद जांच दा आदेश दिता गया। पंजाब विच पै रही कड़ाके की ठंड दरमियान लुधियाना के सलेम टाबरी के इलाके च एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत ठंड लगन कारण हुई है। मृतक की पछाण नहीं हो सकी है। मौके पर पुजी थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने लाश को कब्जे च लैके सिविल हस्पताल की मोर्ची च रखवा दिता। पुलिस उसकी पछाण करन च लगी हुई है। उत्थे ही दूजे पासे मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों च कोल्ड डे जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों च बुधवार से उस बाद अगले 2 दिन तक वख-वख हिस्सों च रात ते सवेर दे समय संघना कोहरा पैण दी संभावना ते साल 2023 दे आखरी दिन भी तापमान च वड्डी गिरावट देखी गई सी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक तापमान च होर गिरावट की चेतावनी दी है। चंडीगढ़, पंजाब ते हरियाणा विच 5 दिन धुंद रहेगी।
केंद्र सरकार ने नवे साल के पहले दिन गैर कानूनी सरगर्मिया एक्ट अधीन गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड को अतवादी ऐलानिया, जिसनों पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड दसिया जा रहा है। इस बारे मरहूम गायक के पिता बलकौर सिंह का बयान आया। इस संबंधी बलकौर सिंह ने कहा कि एक चंगा फैसला, पर मेरी सरकार को अपील है कि गोल्डी ब्रांड को भारत लिया का भी इंतजाम किया जाए। बेटा यू पहला भी गुजरात इलेक्शन वेले भी सीएम साहब ने बयान दिता सीगा भी गोल्डी ब्रांड नू हिरासत विच लै लिया गया, परंतु गल्लां दे कल्ले दावे कीते जांदे, परंतु उत्ते कोई कारवाई जी हुंदी अजे तक नज़र नहीं आई। जे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है तो होम मिनिस्ट्री वालों पत्र है तो कोई ना कोई सच्चाई तो खरे इस गल च होएगी। कीता तो वधिया गल है जे, पर उन्हूं अमली तौर पर किसी नेपरे चाढ़िया जाए, मतलब गल्लां हुंदियां ने फिर उत्थे फिर रुक जांदियां ने, तां करके ना मन हताश हो जांदा भी बयान बहुत आउंदे आ परंतु कारवाई बहुत घट होंदी है। इत्थे हर एक चीज़ नूं बड़े हल्के च लै जांदा है, क्योंकि जां तां इह है भी नुकसान है जिहड़ा आम आदमी का हो रहा है, जां पॉलिटिशियन है जां दूसरे लोग ने लॉबी है जिहड़ी, उह इह तों परे हैगी जां मिली भुगत है इहनां लोकां दी, बस यही लग रहा है मैनूं। क्योंकि नहीं तां बाकी तुसीं देखो डेढ़ महीने दे अंदर अंदर राजपूत समाज ने दबाव बनाया तो तुसी देखो नतीजा तुहाडे सामने आ, परंतु साढ़े सानू पौने दो साल हो गए हाले तक असी चार्ज फ्रेम नहीं करा सके। एक वीडियो हटाने बारे हाई कोर्ट ने भी डबल बेंच का फैसला और सरकार उन्होंने भी टिच करके जान रही है, हुण तुसी अंदाजा आप ला लो भी कित्थे फर्क है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही अदालत दायर अपनी चार्जशीट च कहा है कि आईएसआईएस मॉड्यूल मामले च गिरफ्तार किए गए 6 लोग पाबंदी शुदा अतवादी संगठन का सरगर्म रूप नाल समर्थन कर रहे सन, भोले पाले मुस्लिम नौजवानों विचाले इस दी विचारधारा का प्रचार कर रहे सन। चार्जशीट च कहा गया कि दोषियों ने भारत च अतवादी कामों नूं अंजाम देने की योजना बनाई सी। चार्जशीट आईएसआईएस मॉड्यूल मामले च महाराष्ट्र च कई छापिया दौरान जुलाई 2023 फड़े गए 6 लोगों खिलाफ दायर किया गया। इन्हां 6 लोगों की पछाण ताबिर सिद्दीकी, जुल्फिकार अली, सरदिल शेख ते आकिफ अतीक नाचन ते जुबेर शेख ते अदनाली सरकार वजों हुई है। विशेष एनआईए जज के लाहौटी की अदालत च दायर किए गए 4000 पन्निया के दोष पत्र च 16 गवाहों का जिक्र है। पाकिस्तान की जमीयत उलीमा ए इस्लाम फजल के मुखी मौलाना फजलूर रहमान के काफिले डेरा इजमाइल खान च अणपछाते बंदूकधारियों ने निशाना बनाया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों च कहा गया कि हमलावर ने दो पासियां तो काफिले नूं निशाना बनाया ते गोलीबारी की है। खुशकिस्मती नाल मौलाना फजलूर रहमान समेत सारे सुरक्षित बच गए ने। रिपोर्टों च कहा गया कि फजलूर अपनी चोन मुहिम के हिस्से वजो डेरा इजमाइल खान चो लंघ रहा सी जदों उसते हमला होया। हमले तो बाद फजूल सफलतापूर्वक अब्दुल खेर स्थित अपने जद्दी घर पहुंच गए जिथे उस सुरक्षित है। उलेमा के बुलारे असलम गौरी ने हमले की निंदा करते हुए उसनू कायराना कार्रवाई दसी। बिहार के बेगूसराय च एक ही परिवार के 4 जियां की अग लगन कारण जिंदा सड़ के मौत हो गई है। इस विच 2 बच्चे ते पति पत्नी शामिल ने, औरत 2 महीने की गर्भवती सी। दस्या जा रहा है कि अग सौंदे समय शॉर्ट सर्कट कारण लगी है। कुछ देर विच अग ने घर नूं अपनी लपेट विच लै लिया। दोवें पति पत्नी बच्चों नूं बचाउण की कोशिश च घरों भज नहीं सके। इस अग ने नेड़े 6 घरों नूं भी प्रभावित किया। यह घटना बजवाड़ा थाना खेतर की अरवा पंचायत के वार्ड नंबर 8 की है। पिंड वासियां दस्सिया कि अग लगन तों बाद आस पास के लोगों ने अपने तौर पर इसते काबू पाने की कोशिश की। इस घर के अंदर कमरे च इको परिवार के 2 बच्चे तो उन्होंने माता पिता सन। अग लगन तो बाद बाहर नहीं आ सके। दसिया जा रहा है कि नीरज पासवान एक ट्रैक्टर चालक से।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एनसीआर च कड़ाके की ठंड जारी है। राजधानी समेत एनसीआर विच सीजन के सब तो ठंडे दिन शुरू होने वाले। साल के पहले ते दूजे दिन मंगलवार सवेर तो चलन वाली बर्फीलियां हवावां ने घरां तो बाहर निकलने वाले लोगों नूं कंबल ने मजबूर कर दिता है। सवेर तो ही ठंडिया हवावां करके खुले च खड़ना भी औखा हो गया। आने वाले दिन होर ठंडे रहणगे ते हुण तापमान गिरावट वाला है। पहाड़ां ते बर्फबारी कारण मैदानी इलाके ठंडे ने, इस दे नाल ही तेज़ हवावां चल रही ने। यह शीत लहर का कारण बन गया ते हुण तक यह आम नालों 5 डिग्री घट चल रहा सी। आम नालों 8 डिग्री भी घट गया। इत्थे तापमान 15 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। ठंडिया हवावां तो बचण का कोई तरीका काम नहीं कर रहा सी। गर्म कपड़े भी राहत नहीं दे सके। बंद पईआं थावां ते ही लोगों नूं मामूली राहत मिली है, पर इत्थे काफ़ी हलचल रही। नमी की वध तो वध प्रतिशतता 95 सी। समाज सेवी संस्था शिवपुरी विकास समिति की यतना सदका श्री गंगा जी की आरती की तरस से अज तो सतलुज की आरती शुरू की गई है। पिंड भीपोर साहब सतलुज के विशाल घाट तो हर रोज शाम 6 बजे आरती शुरू होगी। इस मौके होरना तो इलावा लोग सभा मैंबर अविनाश राय खन्ना के परिवारक मैंबर तो इलावा पंजाब के सबका कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल, ऊना सदर तो भाजपा के विधायक सतपाल सत्ती, पंजाब के मौजूदा सिक्ख्या मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस से डॉक्टर संजीव गौतम भी विशेष तौर पर पहुंचे हुए सन। बाबा बलवंत सिंह जी दुधाधारी राजपुरा विखे गुर कृपा सदका दस्तार ए खालसा क्लब राजपुरा कैलीफोर्निया वालों फ्री दस्तारा सजाई गई। 200 के करीब दस्तारा सजाउण की सेवा की गई। कई नौजवानों ने केस दाड़ी रखने का प्रण किया। क्लब वालों USA ते होर देश विदेश विच दस्तार सिखलाई कैंप लगाए जाते हैं। दस प्रधान लखविंदर सिंह USA, गुरविंदर सिंह कंग, परविंदर सिंह, मनप्रीत सिंह ते समुची टीम ने पूर्ण सहयोग दिता। हुण नज़र मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतनी समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए दिओ इजाजत। धन्यवाद।